स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में बीएससी 4 सैम वेव वन ऑप्टिक्स 2 यूनिट 1 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे थे, जिसका नाम था लॉरेंट्स हाफ शेड पोलैरिमीटर। लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर क्या करता है, उसका एम क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और वो कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट आज हम बनाएंगे लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर का। उसका एक पार्ट हमें समझना रह गया था, जो कि था हाफ शेड डिवाइस, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आज समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सेकेंड पार्ट को समझना चाहते हैं तो आपको पहला पार्ट जो है वो देखना जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर जो है वो कैसे वर्क करता है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और वो आखिरकार करता क्या है। और हमने देखा था कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 के अंदर कि जब हम हाफ शेड डिवाइस यहाँ पर नहीं लगा रहे थे तो हम एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे थे। अगर एंगल ऑफ रोटेशन एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है सुगर सॉल्यूशन की, जिसके हमें स्पेसिफिक रोटेशन निकालनी थी, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है S=θ/LC, थीटा एक्यूरेटली नहीं निकलेगा तो S एक्यूरेटली नहीं निकलेगा, स्पेसिफिक रोटेशन एक्यूरेटली नहीं निकलेगी। L यहाँ पर ट्यूब की लेंथ थी और C कंसेंट्रेशन थी। तो स्टूडेंट्स, उस थीटा को कैसे एक्यूरेटली निकाला जा सकता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग हाफ शेड डिवाइस, जो कि लॉरेंट ने इन्वेंट किया था। ये हाफ शेड डिवाइस आपको कहाँ लगाना पड़ेगा? पोलराइजर और इस ग्लास ट्यूब जिसमें सुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके बीच में लगाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्यूब, ये जो हाफ शेड डिवाइस है आपको इस प्रकार से नजर आ रहा था, आपको ये डिवाइस जो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा था, बट एक्चुअली ये डिवाइस जो है एक सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में होता है। इसको जब मैं इसको सामने से देखूंगा इस तरह से, तो एक सर्कुलर प्लेट की तरह नजर आएगा और इस सर्कुलर प्लेट जो है दो सेमी सर्कुलर प्लेट से मिला के बनी होगी। दो सेमी सर्कुलर प्लेट्स होंगी, एक प्लेट जो है वो क्वार्ट्ज की बनी होगी, एक प्लेट जो है वो ग्लास की बनी होगी। तो स्टूडेंट्स, दोनों सेमी सर्कुलर प्लेट्स को हम सीमेंट कर देंगे, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और आपको एक सर्कुलर प्लेट देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे हाफ शेड प्लेट। जो हमारी क्वार्ट्ज प्लेट होगी उसकी जो ऑप्टिक एक्सिस होगी उसको हमने कट किया हुआ है, इस लाइन ऑफ सेपरेशन जो उनके बीच में होगी, सेमी सर्कुलर प्लेट्स के बीच में लाइन ऑफ सेपरेशन होगी, उसके अलोंग क्वार्ट्ज प्लेट की ऑप्टिक एक्सिस जो है हमने कट कर रखी है। और क्वार्ट्ज प्लेट की थिकनेस आपको इस प्रकार से लेनी है कि क्वार्ट्ज प्लेट जो है वो ई एंड ओ वाइब्रेशंस के बीच में फेस डिफरेंस पैदा कर दे पाई का, 180 डिग्री का। मीन्स आप जानते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है एक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है, मींस जब इसमें प्लेन पोलराइज लाइट एंटर करती है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को दो रिफ्रैक्टेड रेस में स्प्लिट कर देता है, एक होती है ई रे, एक होती है ओ रे, और ई रे एंड ओ रे के बीच में ये पाथ फेस डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा पाई का, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा लैम्डा बाय 2 का। इसलिए क्वार्ट्ज प्लेट जो है वो यहाँ पर हाफ वेव प्लेट की तरह काम करेगी, क्योंकि हाफ वेव प्लेट क्या करती है, हम पढ़ चुके हैं रिटार्डेशन प्लेट्स के बीच के बारे में, दो प्रकार की होती है, हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट क्या करती है, ई एंड ओ वाइब्रेशंस के बीच में फेस डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है पाई का। तो स्टूडेंट्स, जो ग्लास प्लेट होगी उसकी थिकनेस हम इस प्रकार से रखेंगे कि ये क्वार्ट्ज प्लेट जितने ही लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले जानते हैं कि हाफ शेड डिवाइस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाफ शेड डिवाइस जो है वो कैसे वर्क करता है और कैसे आपको एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। फर्स्ट पार्ट में जितना मैंने आपको बताया था थ्योरी में, एग्जाम में वहां तक तो लिख के आना ही है, साथ में ये वाला पार्ट भी आपको ऐड करके आना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इस हाफ शेड डिवाइस के थ्योरी पोर्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी हाफ शेड डिवाइस, जिसका ये वाला पोर्शन जो है ए सी बी जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाली सेमी सर्कुलर प्लेट जो है वो क्वार्ट्ज की बनी हुई है
और एडी भी जो सेमी सर्कुलर प्लेट है वो ग्लास की बनी हुई है, मीन्स हाफ शेप डिवाइस जो है एक सर्कुलर प्लेट की तरह होती है जो कि दो सेमी सर्कुलर प्लेट से मिला के बनती है, ए सी बी जो कि क्वार्ट्ज की बनी होगी, एक होगी ए डी बी जो कि ग्लास की बनी होगी। दोनों सेमी सर्कुलर प्लेट्स को इस लाइन ऑफ सेपरेशन के अलोंग सीमेंट कर दिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा और क्वार्ट्ज प्लेट की थिकनेस आपको इस प्रकार से रखनी है कि जब इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटर करे और वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो ओ रे एंड ई रे में, तो उनके बीच में फेस डिफरेंस आ जाए पाई का, मींस एक क्वार्ट्ज प्लेट जो है वो हाफ वेव प्लेट की तरह काम करेगी और ये जो ग्लास प्लेट है इसकी थिकनेस आपको इस प्रकार से लेनी है कि ये इतनी ही लाइट एब्जॉर्ब करे जितनी की क्वार्ट्ज प्लेट कर रही थी। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बनाएंगे वर्किंग ऑफ हाफ शेप डिवाइस, इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर क्वार्ट्ज प्लेट एसीबी सीमेंटेड टू अ सेमी सर्कुलर ग्लास प्लेट एडीबी। ये बनी होती है एक सेमी सर्कुलर क्वार्ट्ज प्लेट एसीबी जिसको सीमेंट किया होता है एक ग्लास प्लेट जो कि अगेन सेमी सर्कुलर प्लेट है जिसका हमने नाम दिया है एडीबी। द क्वार्ट्ज प्लेट इज कट विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू लाइन ऑफ सेपरेशन एओबी। क्वार्ट्ज प्लेट को हमने कट किया हुआ है, इसकी जो उसकी ऑप्टिक एक्सिस होगी इस लाइन ऑफ सेपरेशन एओबी के अलोंग होगी। एओबी वो लाइन है जो क्वार्ट्ज प्लेट को ग्लास प्लेट से सेपरेट कर रही है, इसके अलोंग हमने दोनों प्लेट्स को जोड़ा हुआ है, तो क्वार्ट्ज प्लेट की जो ऑप्टिक एक्सिस होगी वो एओबी के अलोंग होगी। द थिकनेस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेट इज सच दैट इट इंट्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन ई एंड ओ वाइब्रेशंस। जो हमने क्वार्ट्ज प्लेट की थिकनेस इस प्रकार से रखनी है कि जब इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटर करेगी क्वार्ट्ज प्लेट में, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ई एंड ओ वाइब्रेशंस में स्प्लिट हो जाएगी और ई एंड ओ वाइब्रेशन जब क्वार्ट्ज प्लेट में से बाहर निकलेंगी तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस जो है वो आ चुका होगा। Means, ये एक हाफ वेव प्लेट की तरह काम करेगी। इन अदर वर्ड्स इट एक्ट एज ए हाफ वेव प्लेट, क्योंकि हाफ वेव प्लेट का काम होता है ई एंड ओ वाइब्रेशंस के बीच में पाई का फेज डिफरेंस ले आना। द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट इज सच दैट इट कैन एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज इज डन बाय क्वार्ट्ज प्लेट। ग्लास प्लेट की थिकनेस आपको रखनी है इस प्रकार से, ग्लास प्लेट जो है वो ऑर्डिनरी प्लेट है, ये डबली रिफ्रैक्टिंग प्लेट नहीं होती, इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होती, बट इसकी थिकनेस आपको इस प्रकार से रखनी है कि ये उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब करे जितनी की क्वार्ट्ज प्लेट करेगी। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे वर्किंग ऑफ हाफ शेप डिवाइस में, वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने बात की कि जो हाफ शेप डिवाइस होगा वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, वो दो सेमी सर्कुलर प्लेट से मिला के बना होगा, क्वार्ट्ज प्लेट एंड ग्लास प्लेट। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं जो लॉरेंट हाफ शेप पोलारिमीटर का ब्लॉक डायग्राम है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर में से इमर्ज होगी तो वो हाफ शेप डिवाइस में से पास होगी, तो हाफ शेप डिवाइस जो एक सर्कुलर प्लेट है, तो हम मान लेते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हाफ शेप प्लेट में एंटर कर रही है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, वो हैं पी पी वन के अलोंग हैं और ये जो पी पी वन है वाइब्रेशन जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जब वो हाफ शेप डिवाइस में एंटर हो रही हैं तो ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक एक्सिस एओडी, एओबी नाम देना था इसको, ये बी है। तो स्टूडेंट्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है वाइब्रेशंस पीपी वन जब ये हाफ शेप डिवाइस के अंदर एंटर हो रही हैं, तो ये वाइब्रेशन जो है वो जब ग्लास प्लेट में से बाहर निकलेंगी तो पीपी वन के अलोंग ही निकलेंगी, क्योंकि ग्लास प्लेट जो है वो डबली रिफ्रैक्टिंग प्लेट नहीं है, वो इनके ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक प्लेट नहीं है, वो इनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट नहीं करेगा, तो जो हमारी वाइब्रेशंस हैं जब ग्लास प्लेट में से बाहर निकलेंगी वो पीपी वन के अलोंग ही निकलेंगी। बट जब हमारी पीपी वन वाइब्रेशन जो है क्वार्ट्ज प्लेट में से पास होंगी तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगी, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, ये पीपी वाइब्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा, एक होगा ओ कंपोनेंट, एक होगा हमारा ई कंपोनेंट, मींस ओ रे एंड ई रे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। जो ओ रे होंगी वो ओडी के अलोंग ट्रैवल करेंगे और जो ई रे होंगी वो हमारी ट्रैवल करेंगी ओए के अलोंग, ये हमारी ओ रे की डायरेक्शन है और ये हमारी ई रे की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स क्वार्ट्ज प्लेट जो है वो हाफ वेव प्लेट है, वो ओ रे एंड ई रे के बीच में फेस डिफरेंस ला देगी पाई का, जब ओ रे जो है बाहर निकलेंगी क्वार्ट्ज प्लेट में से तो उसमें वो पाई डिग्री से एडवांस हो चुकी होगी एज कम्पेयर टू ई रे, तो जो पहले ओ रे की डायरेक्शन ओडी के अलोंग थी, तो पाई एंगल से जब आप इसको देखेंगे
पाई एंगल से इसका फेस चेंज करेंगे तो ये अब ओसी के अलोंग हो जाएगी आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम द क्वार्ट्ज प्लेट। तो पहले जो ओडी के अलोंग थी जब ये बाहर निकलेगी क्वार्ट्ज प्लेट में से तो ओसी के अलोंग हो जाएगी। ओए की जो हमारी ई रे है उसकी डायरेक्शन इमर्जेंस के बाद भी ओए के अलोंग ही रहेगी क्योंकि ई रे और ओरे के बीच में फेज डिफरेंस आ चुका होगा पाई का। तो स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि ओसी और ओए का रिजल्टेंट क्या होगा। ओसी और ओए का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा और जो हमारी वाइब्रेशंस प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेशन बाहर निकलेंगी तो उनकी डायरेक्शन जो है अब वो इस प्रकार से हो चुकी होगी जब वो क्वार्ट्ज प्लेट में से बाहर निकलेंगी क्यू क्यू वन से। मींस हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो भी थीटा होगा और यहाँ से आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मींस जो वाइब्रेशंस पहले पीपी वन के अलोंग थी जब वो क्वार्ट्ज प्लेट में एंटर करेंगी इमर्ज होने के बाद वही वाइब्रेशन जो है वो क्यू क्यू वन के अलोंग हो जाएंगी। पहले आपको यही सब कुछ जो है इस थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं कि आप स्टूडेंट्स आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। सपोज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर पी इज इंसिडेंट ऑन हाफ शेड डिवाइस। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर पी में से निकलने के बाद किस में जा रही है हाफ शेड डिवाइस में जा रही है। जब वो हाफ शेड डिवाइस में जाएगी तो क्या होगा एंड हैज वाइब्रेशंस अलोंग पीपी वन विच मेक्स एंगल थीटा विद ए बी। तो स्टूडेंट्स जो हमारी वाइब्रेशंस प्लेन पोलराइज वाइब्रेशन जो है हाफ शेड डिवाइस में जा रही है तो हम मान लेते हैं कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो पीपी वन के अलोंग है जो कि थीटा एंगल बना रही है ए बी के साथ। The vibrations emerge from glass plate as such that is along PP1 क्योंकि glass plate जो है वो एक doubly refracting plate नहीं है तो glass plate में से जब ये vibrations pass होंगी PP1 तो ये PP1 के along ही बाहर निकलेंगी। जब ये glass plate में से बाहर आएंगी तो ये vibration जो है वो PP1 के along होंगी but quartz plate में ऐसा नहीं होगा। ये देखते हैं उसमें क्या होगा। But inside the quartz plate the light is split into two components but quartz plate के अंदर PP1 vibration जो है वो दो component में split हो जाएगी। पहला कंपोनेंट होगा ओ कंपोनेंट अलोंग एडी ओडी। जो हमारा ओ कंपोनेंट होगा वो ओडी के अलोंग जाएगा और जो हमारा ई कंपोनेंट होगा वो जाएगा ओए के अलोंग। मींस दोनों जो है दोनों कंपोनेंट जो है ओ रे एंड ई रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑन पासिंग थ्रू क्वार्ट्ज प्लेट अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस बिटवीन ओ रे एंड ई रे क्योंकि क्वार्ट्ज प्लेट के अंदर जो ओ रे की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है ई रे के बीच में तो ओ रे जो है वो ई रे से लीड करती है एडवांस करती है और बाहर आते आते क्वार्ट्ज प्लेट में दोनों के बीच में फेस डिफरेंस आ जाता है पाई का। मींस जो ओ रे ओडी के अलोंग था आफ्टर इमर्जेंस वो ओसी के अलोंग हो जाएगा बट ई रे जो है वो ओए के अलोंग ही रहेगी। सो ओ रे विल अकर अलोंग ओसी इंस्टेड ऑफ ओडी ऑन इमर्जेंस। तो जो हमारी ओ रे है वो ओडी की बजाय बाहर निकलने की बजाय वो ओसी के अलोंग बाहर निकलेगी क्योंकि उसके बीच में फेस डिफरेंस आ जाएगा पाई का। ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओसी के अलोंग जो है वो बाहर निकलेगी। द रिजल्टेंट वाइब्रेशंस ऑन इमर्जिंग फ्रॉम क्वार्ट्ज प्लेट विल बी अलोंग क्यू क्यू वन। अगर आप ओसी और ओए का रिजल्टेंट निकालें तो वो ओ क्यू होगा और ओ क्यू जो है जो हमारा ओ क्यू है वो क्यू क्यू वन के अलोंग है। मीन जो हमारी वाइब्रेशंस एंटर कर रही थी पी पी वन के अलोंग बट जब वो क्वार्ट्ज में से बाहर आएंगी तो वाइब्रेशन जो है वो क्यू क्यू वन के अलोंग हो चुकी होंगी। सच दैट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ ए QOA is equal to theta से। तो स्टूडेंट्स हमारा जो एंगल होगा ये POA और ये QOA ये दोनों बराबर होंगे और दोनों एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे थ्योरी में और कैसे इसको समझेंगे आगे तो स्टूडेंट्स वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना होगा जो हमने पीछे डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ पे आपको एरो जरूर लगाने होंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं वाइब्रेशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो आपको यहाँ एरो जो लगाने बहुत जरूरी हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आपको क्या लिखना है उससे पहले आप कुछ समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट जब वाइब्रेशंस ग्लास प्लेट में से बाहर निकलेंगी तो उनकी डायरेक्शन जो है वो पीपी वन के अलोंग होंगी और जब वाइब्रेशंस क्वार्ट्ज प्लेट में से बाहर निकलेंगी तो उनकी वाइब्रेशंस क्यू क्यू वन के अलोंग होगी और इन वाइब्रेशंस को हमने एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर जो सबसे आखिर में कॉम्पोनेंट लगाया हुआ हमने लॉरेंट हाफ शेड पोलैरिमीटर में। एनालाइजर जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एनालाइज करेगा तो प्रिंसिपल प्लेन जो है एनालाइजर का उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको टेलीस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में क्या नजर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि जो हमारा एनालाइजर है उसका प्रिंसिपल प्लेन जो है वो पीपी वन के अलोंग इंक्लाइंड है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ग्लास प्लेट है ग्लास प्लेट में से तो पीपी वन कॉम्पोनेंट जो है वो पास हो रहा है ऐसे ही पास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि पीपी वन कॉम्पोनेंट ग्लास प्लेट में से एज इट इज पास हो जाएगा
और क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं क्वार्ट्ज प्लेट में वो QQ1 के अलोंग हैं, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल सेक्शन जो है हमारा एनालाइजर का इसके अलोंग है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है हमारा एनालाइजर में से पास नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो हमारी जो ग्लास प्लेट है वो ब्राइट नज़र आएगी एज कम्पेयर टू क्वार्ट्ज प्लेट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एनालाइजर है उसका जो प्रिंसिपल प्लेन है वो अब QQ1 के अलोंग कर देते हैं, तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो पास हो जाएगा, उसमें से ये वाला कॉम्पोनेंट पास नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हमारा जो हमारी ग्लास प्लेट है वो डार्क नजर आएगी और जो क्वार्ट्ज प्लेट है, क्वार्ट्ज हाफ जिसको बोलना चाहिए, वो ब्राइट नजर आएगा। तो दूसरा केस ये हो जाएगा। बट अगर तीसरे केस की बात करें, अगर हमारा जो एनालाइजर है उसका प्रिंसिपल प्लेन AOB के अलोंग हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा PP1 कंपोनेंट है और QQ1 कंपोनेंट है वो इक्वली इंक्लाइन हो जाएंगे AOB एक्सिस के अलोंग, तो दोनों कंपोनेंट जो है वो इक्वली पास करेंगे एनालाइजर में से और दोनों हाफ जो है वो इक्वली ब्राइट नजर आएंगे। और जो हमारा लास्ट केस होगा, चौथा केस, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एनालाइजर है उसका प्रिंसिपल प्लेन COD के अलोंग सेट कर देंगे। अब COD जो है वो AOB के 90 डिग्री पर है, तो उस केस में जो हमारा OQ एंड OP कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट पास नहीं होगा हमारा उसमें से, और दोनों हाफ जो है वो डार्क नजर आएंगे। तो चार केस बनेंगे, हर एक केस को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हर केस के लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट देखते हैं पहले केस में आप क्या लिखे आएंगे। नाउ इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एनालाइजर ए इज पैरेलल टू OP, तो हमारे पास जो हमारा एनालाइजर है उसका प्रिंसिपल प्लेन जो है वो OP के अलोंग है, मींस PP1 के अलोंग है, आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि OP जो है वो PP1 के अलोंग ही है। द प्लेन प्रोवाइड लाइट विल पास थ्रू ग्लास प्लेट, क्योंकि ग्लास प्लेट में से तो इसी डायरेक्शन में लाइट बाहर आ रही है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो पास हो जाएगा ग्लास प्लेट में, ग्लास प्लेट का, बट क्वार्ट्ज प्लेट में तो इसके अलोंग जो लाइट बाहर आ रही है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट पास नहीं होगा एनालाइजर में। तो इसका मतलब यह है कि ग्लास जो हाफ है, ग्लास वाला हाफ है जो हमारा, वो ज्यादा ब्राइटर नजर आएगा। एंड विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय क्वार्ट्ज प्लेट, क्वार्ट्ज प्लेट जो है वो लाइट को पास नहीं होने देगा। सो ग्लास हाफ अपीयर्स मोर ब्राइटर देन क्वार्ट्ज हाफ, इसलिए जो ग्लास वाला पार्ट है हमारा वो ब्राइट नजर आएगा और जो क्वार्ट्ज वाला पार्ट है वो हमें डार्क नजर आएगा। ये ग्लास वाला पार्ट है इधर वाला, और ये हमारा जो है वो क्वार्ट्ज वाला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन जो है एनालाइजर का वो OQ के अलोंग होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे आप और उसमें क्या डायग्राम बना के आएंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सेकंड केस की, जब हमारे एनालाइजर का प्लेन जो है वो OQ के पैरेलल होगा, मींस QQ1 के पैरेलल होगा, तो ये वाला कंपोनेंट जो क्वार्ट्ज में से पास हो रहा था ये एनालाइजर में से पास हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो ग्लास में से पास हो रहा था वो क्वार्ट्ज वो एनालाइजर में से पास नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो क्वार्ट्ज वाला हाफ है वो ज्यादा ब्राइटर नजर आएगा एज कम्पेयर टू ग्लास हाफ। तो उस केस में सिचुएशन जो है पहले वाली सिचुएशन की रिवर्स हो जाएगी, ये वाला पार्ट ब्राइट हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि हमारे एनालाइजर का प्रिंसिपल प्लेन जो है वो QQ1 के अलोंग है, मींस OQ के अलोंग है, तो ये वाला कंपोनेंट जो क्वार्ट्ज प्लेट वाला कंपोनेंट है ये एनालाइजर में से पास हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बाय द एनालाइजर जो कि ग्लास प्लेट में से पास हो रहा था। तो आइए स्टूडेंट्स इसमें क्या लिख के आएंगे आप। नाउ इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एनालाइजर ए इज पैरेलल टू OQ, अगर आपने इस बार प्रिंसिपल प्लेन जो एनालाइजर का वो OQ के अलोंग कर दिया, मींस QQ1 के अलोंग कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू क्वार्ट्ज प्लेट, आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्वार्ट्ज प्लेट में से तो पास हो जाएगी, बट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ग्लास प्लेट, बट ये वाला कंपोनेंट जो है वो एनालाइजर में से पास नहीं हो पाएगा। सो क्वार्ट्ज हाफ अपीयर्स मोर ब्राइटर देन ग्लास हाफ, तो हमारा जो क्वार्ट्ज वाला पार्ट है, क्वार्ट्ज वाला पोर्शन है वो ब्राइट नजर आएगा एज कम्पेयर टू ग्लास हाफ जो कि डार्क नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स दो केस हमारे हो चुके हैं, बाकी दो केस बचे हैं वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं तीसरे केस की, जब हम एनालाइजर के प्रिंसिपल प्लेन को इस AOB एक्सिस के अलोंग सेट करेंगे, तो उस केस में आप देख सकते हैं जो हमारा PP1 कंपोनेंट है और जो QQ कंपोनेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड है दो इस एक्सिस AOB के अलोंग, तो उस केस में दोनों हाफ जो है वो इक्वली ब्राइट नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स उस केस में आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये होगा हमारा डायग्राम नंबर C, और ये दोनों पार्ट जो है आपको इक्वली ब्राइट नजर आएंगे, कब, जब हमारा एनालाइजर का प्रिंसिपल प्लेन AOB के अलोंग होगा। Now if principal plane of analyzer A is parallel to AOB, then it will be equally inclined to plane polarized lights, so both the halves will appear equally bright as shown in figure C. अगर हमारा analyzer का principal plane AOB के parallel हुआ, तो उस केस में
QQ1 एंड PP1 जो है वो AOB के इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे, तो दोनों कंपोनेंट जो है वो इक्वली पास होंगे और दोनों हाफ जो है वो इक्वली ब्राइट जो है वो नजर आएंगे। तो स्टूडेंट तीन पॉइंट हो चुके हैं, इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, जब हम देखेंगे कि दोनों हाफ जो है वो इक्वली डार्क नजर आएंगे, आपको कंप्लीट डार्कनेस नजर आएगी, वो कब नजर आएगी वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि आपको टेलीस्कोप में फील्ड ऑफ व्यू कम्प्लीटली डार्क कब मिलेगा। आपको फील्ड ऑफ व्यू कम्प्लीट डार्क तब मिलेगा जब एनालाइजर का प्रिंसिपल प्लेन सीओडी के अलोंग होगा, मीन्स परपेंडिकुलर टू एओबी होगा, तो उस केस में आपको फील्ड ऑफ व्यू जो है वो कम्प्लीट डार्क नजर आएगा। उस केस में दोनों हाफ जो है क्वार्ट्ज हाफ एंड ग्लास हाफ जो है इक्वली डार्क नजर आएंगे। तो आप लाइन लिखेंगे, नाउ इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एनालाइजर ए इज अलोंग सीओडी, अगर आपका एनालाइजर का प्रिंसिपल प्लेन सीओडी के अलोंग हुआ, मींस परपेंडिकुलर हुआ एओबी के, देन बोथ हाफ विल अपीयर इक्वली डार्क एज शोन इन फिगर डी, तो आपको कंप्लीट डार्कनेस नजर आएगी, दोनों हाफ जो है वो इक्वली डार्क नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने समझ लिया, देखिए स्टूडेंट जब प्रिंसिपल प्लेन एनालाइजर का इसके अलोंग था तो हमारे पास ग्लास हाफ ब्राइट नजर आ रहा था और ये डार्क नजर आ रहा था। जब हमारे एनालाइजर का प्रिंसिपल प्लेन QQ1 के अलोंग था तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो ब्राइट नजर आ रहा था और ये वाला पार्ट जो है वो डार्क नजर आ रहा था। जब हमारे एनालाइजर का प्रिंसिपल प्लेन एओबी के अलोंग था तो दोनों हाफ जो है वो इक्वली ब्राइट नजर आ रहे थे और आपको कंप्लीट ब्राइटनेस नजर आ रही थी, पूरा सर्कल जो है वो ब्राइट नजर आ रहा था। और जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन एनालाइजर का सीओडी के अलोंग हुआ तो उस केस में हमें दोनों पार्ट जो है वो इक्वली डार्क नजर आएंगे, आपको कंप्लीट डार्कनेस नजर आएगी इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स यही पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप शुगर सॉल्यूशन की स्पेसिफिक रोटेशन कैसे मेजर करेंगे वो हम बात करेंगे और वो होगा आपका फाइनल पॉइंट इस टॉपिक का। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप लॉरेंट हाफ शेड डिवाइस को यूज करके कैसे एक्यूरेटली स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड कर सकते हैं शुगर सॉल्यूशन की। तो अब लास्ट में हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन एस ऑफ शुगर सॉल्यूशन, फाइंड द रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल फॉर द पोजीशन ऑफ एनालाइजर ए कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वली डार्क पोजीशन ऑफ द हाफ शेड डिवाइस व्हेन ट्यूब इज एम्प्टी। आपको क्या करना है, जो आपका लॉरेंट हाफ शेड डिवाइस का ब्लॉक डायग्राम था उसमें आपने जो ग्लास ट्यूब की थी उसमें अभी शुगर सॉल्यूशन नहीं भरना, उसको खाली रखना है। हाफ शेड डिवाइस आपने लगा देना है निकोल प्रिज्म ए, निकोल प्रिज्म पी, पोलराइजर पी और ग्लास ट्यूब के बीच में, और आपने एनालाइजर को इस तरह सेट करना है कि आपको हाफ शेड डिवाइस जो है वो कम्प्लीटली डार्क नजर आए, मीन्स दोनों पार्ट जो है वो कम्प्लीट डार्क नजर आए, मीन्स आपने प्रिंसिपल सेक्शन जो है एनालाइजर का वो सीओडी के अलोंग सेट कर देना है और वहां पर सर्कुलर स्केल जो लगा हुआ है वहां से रीडिंग नोट कर लेनी है। तो स्टूडेंट उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ फिल द ट्यूब विद शुगर सॉल्यूशन एंड अगेन फाइंड द रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर इक्वली डार्क पोजीशन ऑफ द हाफ शेड डिवाइस। अब आपने शुगर सॉल्यूशन को भर, आपने ट्यूब को भर देना है शुगर सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से जो आपका प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा कुछ एंगल से, जिसको हम एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये वाली सिचुएशन नजर नहीं आएगी। अब आपको एक पार्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट नजर आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा डार्क नजर आएगा, कंप्लीट डार्कनेस नजर नहीं आएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आएगी, मीन्स एक हाफ जो है वो ब्राइट नजर आ रहा होगा, दूसरा हाफ जो है वो डार्क नजर आ रहा होगा। फिर आपने एनालाइजर को घुमाना है उसके एक्सिस के अबाउट और इस तरह से घुमाना है कि आपको दोबारा से दोनों हाफ जो है वो कम्प्लीटली डार्क नजर आने शुरू हो जाएं, और इस केस में भी आपको रीडिंग नोट करनी है सर्कुलर स्केल की उस एनालाइजर की पोजीशन के लिए जब आपके दोनों हाफ जो है वो इक्वली डार्क हो जाएंगे। तो आपको पहले रीडिंग मिली एक और एक बाद में रीडिंग मिली, दोनों रीडिंग्स को माइनस करेंगे आप तो आपको वो एंगल मिल जाएगा जिस एंगल से शुगर सॉल्यूशन ने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट किया था, मीन्स एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन स्केल रीडिंग्स गिव्स थीटा, पहले रीडिंग और दूसरी रीडिंग को माइनस करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल ऑफ एंगल है जिस एंगल से शुगर सॉल्यूशन ने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट किया था, मींस ये एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है। तो थीटा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, S = थीटा / LC, L यहां पर लेंथ है ट्यूब की, हमें पता होगी C कंसंट्रेशन पता होगी शुगर सॉल्यूशन की, तो वैल्यूज पुट करके हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन की, जो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएंगी जब आप हाफ शेड डिवाइस जो है वो लगा देंगे पोलराइजर और ग्लास ट्यूब T के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वर्किंग ऑफ हाफ शेड डिवाइस, मीन्स लॉरेंट हाफ शेड पोलैनोमीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, और ये था पार्ट टू। अब आपका लॉरेंट हाफ शेड पोलैनोमीटर खत्म होता है, यहाँ तक आपको लिख के आना है, जो डायग्राम आज मैंने बनवाए हैं वो भी आपको बना के आने हैं।
जो कुछ मैंने आपको आज लिखवाया है वो भी आपको लिख के आना है, तब जाके आपका लॉरेंट हाफ शेड पोलारिमीटर टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव एंड ऑप्टिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे बाय क्वार्ट्ज पोलारिमीटर के साथ जो भी है वो भी आपके सिलेबस में है। टिल देन थैंक यू सो मच।